हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवीएम टूर्नामेंट असिस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है पंजाबी। पंजाबी में हम पढ़ेंगे दूसरा नाम क्या है, मेले ते त्यौहार। भाई पंजाब में कौन कौन से मेले होते हैं, तो हम सबसे पहले उन त्यौहारों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो मेला लगता है बैसाखी का मेला, जो 13 अप्रैल को लगता है। उसके बाद में दूसरा जो मेला है छप्पार का मेला, ठीक है। ये जो छपा का मेला है, ये मुसलमानों का त्यौहार है। तीसरा जरग का मेला, ठीक है, ये शीतला माता की याद में मनाया जाता है। तीसरा है जगरावा की रोशनी, ये मेला मतलब रोशनी का जो त्यौहार है। माघी का मेला, ये मुक्तसर साहिब में लगता है। और शहीदी जोड़ मेला जो फतेहगढ़ साहिब में उनकी याद में। उसके बाद में दशहरा, दशहरा तो ये हमारा हिंदुओं का त्यौहार है। दिवाली, दशहरा और लोहड़ी का जो त्यौहार है वो सिखों का त्यौहार है, जो लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और जो रखड़ी का त्यौहार, रखड़ी तो हमारा जो पूरा देश है वो ये भाई और बहन की याद में मतलब मनाया जाता है। जो बहन भाई का प्यार आपस में, तो उनके ये त्यौहार बहुत ही खास है। उसके बाद में बसंत पंचमी का त्यौहार, ये हमारे ये बहुत खास त्यौहार है, जो उसमें क्या है सभी मतलब पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। फिर तियां का त्यौहार, तियां मतलब लड़कियों का त्यौहार। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे उनके मेलों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो मेले शब्द की उत्पत्ति मेल जोड़ तो हुई, मेले कदों आते किवें शुरू होवे, इस सवाल के जवाब जो कोई पक्का प्रमाण मतलब कोई पक्का सबूत उपलब्ध नहीं है। अनुमान लगाया जा सकता है कि आदि मनुख जदों शिकार के होर कमां दा वेला होंदे जां किसी होर कबीले दी जीत प्राप्त करन उपरांत खुशी सांझी करने इकट्ठे होके नचदे गाउंदे। कहंदे कि जो भी हमारे मेलों का ये पक्का कोई प्रमाण तो है नहीं। तो जब पहले आदि जो लोग होते थे वो पहले जो भी मतलब लड़ाइयाँ जीत के आते थे, तो वो क्या करते थे, एक साथ इकट्ठे होके अपने अपने मतलब नाचते गाते जो भी मतलब त्यौहार के रूप में ये मनाते थे। जश्न जो वार वार मनाए जाने लगे, मेले होंद आने लगे, जिमें समाजिक आर्थिक सभ्याचार तब्दीलियाँ आदियाँ गई, इन्हों का रूप स्वरूप बदलता गया। मेले जाना जान कोई सामाजिक या राजनीतिक मजबूरी, कह रहे कि जो हमारे मतलब देश में जो छोटे छोटे मेले लगते हैं, तो उसमें हमारी कोई पाबंदी नहीं है। अभी हमें इस मेले में जरूर जाना है, जो जिसको खुशी हो वो मेले में जा सकता है और हमें आनंद प्राप्त कर सकता है। सबो मेला मन विचला लोगों चाहिए लोगों मेले जाने प्रेरदा है। मेला हर उम्र के बच्चिया जवाना मुटियारा बुढ़िया दे चारा दी है। कह रहे मेले मेले में जो कोई बड़े जवान बुजुर्ग मतलब जो भी कोई है वो जा सकता है। इसमें क्या है, ये हमारा मन परचावे का साधन है। इन मेले में पंजाब में लगने वाले मेले ज्यादातर इतिहासिक महत्व होंगे, जिन्हें माघी का मेला, विसाखी का मेला, अनंतपुर साहब का मेला, फतेहगढ़ साहब का मेला आदि सभ्याचार पक्ष तो भी बहुत महत्व है, धार्मी है। मेले कम धंधिया मानसिक के शरीरी थकावट जीवन की विधि विचाई करोड़ को तोड़ने लिए जिंदगी के मुड़ तरोताजा करने मुड़ मूला सदन है। कह रहे कि जो मेला है वो मतलब हम जैसे अब मेला लगता है, ठीक है, हम कहीं आते हैं जैसे हमारा मन थका होता है, तो अभी पता लगता है कि हाँ मेला लगा, तो हमें मतलब बिल्कुल खुशी मिलती है। हम मेले में जाते हैं, घूमते हैं, मतलब हर तरह की चीज़ें देखते हैं, तो हमारा मन क्या इतने प्रसन्न हो जाता है, तो हमारा जो शरीर है वो थकावट और मुक्त हो जाता है। रोजगार प्रदान करने साधन होने वाले लोगों की मानसिक के पदार्थों की पूरी करते हैं। जिते तक पंजाब के मेलिया का संबंध है, उस दिन अनेक मनंगियां हैं। संजत सभ्याचार होने करके पंजाब हर महीने कोई ना कोई ना मेला तो त्यौहार आया रहता है। ये मेले और त्यौहार जिते लोगों के भाईचार सांस का प्रतीक है। कहते कि जो भी मेले है पंजाब के अंदर, जो भी मेला आता है वो भाईचारे की भावना
लेके आता है। इसमें सभी मिलजुल के मतलब जो इसमें कोई जात पात किसी चीज का कोई भेदभाव नहीं होता। लोगों के मनोरंजन का साधन भी बनता है। पुराने समय में खेती की प्रधानता होने करके मेलिया के त्यौहार दिख अस पुछ गिछ अजोके समय मेलिया के त्यौहार भी स्वरूप बदल गया, जिस करके इन्हों की पहली जिनी मानता नहीं रही। जिंदगी विच पज दौर आधुनिक ते मनोरंजन दे सैकड़े साधन भी परमार दे लोकां नूं मेलिया ते त्यौहारां दे वख वख करन च अहम भूमिका निभाई है। पंजाब दे मुख मेलिया ते दा संखेप वर्णन इस तरह है। पहला मेला है विसाखी दा मेला। विसाखी दा मेले दा संबंध पंजाब दी समाजिक आर्थिक अते धार्मिक वृत्ति नाल जुड़िया होया है। पंजाबी समाज खेती नाल जुड़िया होया है। कहते जो विसाखी का मेला है वो हमारे क्या है खेतों से संबंधित है। इसमें ये मेला 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जो किसान लोग हैं ये बड़ी धूमधाम से विसाखी का मेला मनाते हैं। इस तरह के पंजाब लोग इस महीने की शुरुआत मेले नाल करते हैं। विसाखी देसी महीने विसाख के पहले दिन मनाई जाती है। इस दिन किसान कणक की पक्की फसल दाती लाते हैं। कह रहे कि जो किसानों की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से पक जाती है, तो उसके बाद में जो भी वो फसल करना शुरू करते हैं वो विसाखी वाले दिन ही काटना शुरू करते हैं। किसान कड़ी मेहनत तो बाद प्रमाण होने वाली पूंजी राशि पूंजी रूपी फसल वेख के खुशी मनाता है। ये खुशी वजों पिंड पिंड मेले लगते हैं। मेलिया के गभरू मतलब जवान भंगड़ा पाते हैं। ये पंजाबी विसाखी के त्यौहार को एक मेले वजों मनाते हैं। विसाखी का मेला पंजाब विच इतिहासिक महत्व का प्राणी ही है। इस दिन 1666 ईस्वी गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब विखे खालसा पंथ की संरचना की। कह रहे कि जो मेले का इतिहासिक महत्व इस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1666 ईस्वी में आनंदपुर साहिब खालसा पंथ की संरचना की। साहिब पंज प्यारे अमृत छका के सिंह का रूप निर्धारित किया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने पांच प्यारे मतलब पांच जो सरदार थे उनको मतलब अमृत छका के उनको मतलब सिंह का रूप दे दिया। आपने पंज प्यारा तो खुद अमृत की दात प्राप्त के गुरु के चेले का नवा विधान सिरजिया। इस दौरान जुलम न टकराने की हिम्मत और दलेरी वाले पंजाबी व्यक्ति को नवेकली पहचान प्राप्त हुई। उदों तो लैके पंजाबी जिथे वसते हो विसाखी बड़े उत्साह नाल मनाते हैं। देश की वंड तो पहला विसाखी पंजा साहिबां ते वजीराबाद भी मशहूर सी, पर अजकल विसाखी दियां रौनकां करतारपुर साहिब दमदमा साहिब श्री आनंदपुर साहिब के लगदियां हन। इस मौके बड़े भारी दरबार सजाए जाते हैं, अमृत प्रवाह चलते हैं। दूजा मेला है छपार का मेला। हिंदू सिख और मुसलमान साझीवालता मतलब मिलजुल के प्रतीक छपार का जिले लुधियाना पिंड छपार विखे भादो मतलब देसी महीना 14 पड़ता है। यह मेला छपार के नजदीक बनी बुगे की माड़ी उत्ते लगता है। इस मेले का संबंध बुगे पीर नाल है। छपार के मेले से लोग मिट्टी कटते हैं, चौकियाँ भरते हैं। चौकियाँ मतलब जो भी किसी की मन्नत होती है वो वहाँ जाते हैं, मिट्टी मतलब निकालते हैं और चौकी भरते हैं। तो वहाँ से क्या उनकी मन्नतें जो भी मन्नतें मांगते हैं वो पूरी होती है। इस मेले की मुख्य विशेषता है मर्दा का गिद्धा। ये गिद्धा सारी रात चलता है। पंजाब जो गिद्धे टोलियाँ मतलब इकट्ठे होके जाना मेले में पुजदे हैं। टोलियाँ लंबिया बोली पा के शरीरक मर्दावान पिड़के बनी रखदिया हैं। तीजा मेला है जरग का मेला। जरग का मेला शीतला माता की याद च लगा। जरग का मेला शीतला माता मन का तो अपने नाम सुना होता है। जो हम क्या सभी जो हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जिला लुधियाना आई तहसील दापिंड जरग इस लोक मेले कारण प्रसिद्ध हो गया।
जरग दे एक बड़े टोपे द्वारे मेला लगता है। इस टोपे से मिट्टी कट जाए, टोपे मतलब जो अपनी मिट्टी को ऐसे खोदते हैं तो होता है टोपे। शीतला माता का थान पूजा जाता है, शीतला माता के पूजे मिठे गुलगुले मिट्टियाँ रोटियाँ मिट्टी गुलगुले जो अपने मतलब गुड़ से बनाती हैं गुलगुले, ये तो आपको सभी को पता ही होगा। मिट्टी रोटियाँ मतलब गुड़ से जो हम रोटियाँ बनाते हैं जो रात को पकाए जाते हैं, और बेहे बे जो अपने ये मोठ जो होते हैं उनको अपने बे मतलब रात को भिगो के रखते हैं। सुबह मतलब रोटी गुलगुले जो भी हम बनाते हैं उसे सुबह जो हम उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद में जो हमारा मेला है वो है जगरावां दी रोशनी। जगरावां दी रोशनी जिला लुधियाना जगरावां विखे मनाई जाती है। कोलिया वाली फकीर की दरगाह ऊपर चिराग जगाऊं करके इस मेले का नाम जगरावां दी रोशनी पै गई है। ये मेला 14-15 ते 16 फगन भरता है। मेले दिन बाजार सजदे ते बच्चों मनोरंज लई बड़े तरह तरह दियां चंडोलां ते खेडां प्रबंध कीतियां जांदियां हन। सुखदारी होने सुखराने वजों लोग पूरी श्रद्धा के पीर की दरगाह उपर नतमस्तक होंगे ते मेले की रौनक वाधा करें। इसी प्रकार इसके बाद में जैसे माघी का मेला हो गया, शेदी मेला हो गया, दशहरा दिवाली अपनी को पता है दिवाली हम किस की याद में मनाया जाता है, और जो दशहरा है वो हम कैसे मनाते हैं, लोहड़ी का तुम्हारा जो कैसे मनाया जाता है बेटा, जो ये पॉइंट है अपना ये पूरा हुआ। उसके बाद में जो मैंने यहाँ क्वेश्चन दिए हुए मतलब परीक्षा उपयोगी जो परीक्षा में आने के लिए बहुत उपयोगी है, तो ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो हमारे पर है। पंजाब खेती नाल जुड़िया मेला केड़ा है, तो हमें देखना कौन सा मेला है, विसाखी का मेला। विसाखी का मेला कदों मनाया जाता है, विसाखी के महीने के पहले दिन। और फतेहगढ़ साहिब शहीदी जो चौड़ मेला कदों लगता है, फतेहगढ़ साहिब सरहिंद विखे गुरु जी ने ग्वालियर देखी है तो किन्ने राज्यों को रिहा करवाया, तो है 52 राज्य हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है मुख्य शब्दों के अर्थ, जैसे उत्पत्ति उत्पत्ति का पैदा होना, प्रमाण सबूत मिलना, सांझी इकट्ठी अजोके आदि दे। उसके बाद में जो अपने जो ये सही उत्तर दे निशान लगाओ। पंजाब किस देश का खुशहाल सूबा है, तो इसमें है पहला है भारत, दूसरा जापान, तीसरा है चीन, उसके बाद में चौथा है अमेरिका। तो इन तीनों में से आपको अगर पता है तो उस पर निशान लगाना है। पंजाबी सभ्याचार का मुख्य धंधा, तो अब जो पंजाबी सभ्याचार का जो मुख्य धंधा है वो कौन सा है वो आपको बताना है। खेती बाड़ी है, कपड़े का है, बिजली का है, व्यापार करना है। उसके बाद तीसरा है जलिया वाले बाग का साखा कदों वापरिया, तो इसका उत्तर आपको पता है तो उस पर ही टिक लगाना है, ठीक है। 1919 या 1918, 1917 या 1920, तो बेटा ये आपको नोटबुक में करना है और इसका जो यहाँ लिखा हुआ है रिवीजन भी करना है आपको, ठीक है। थैंक यू।